टेस्ट क्रिकेट में नंबर एक रैंकिंग पर नहीं पहुंचने वाले तीन बहुत बड़े कप्तान। नंबर तीन, केविन पीटरसन। पीटरसन को 2005 के एसेज में उनके जबरदस्त प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपने कैरियर में कुल 104 टेस्ट मैच खेले और 181 पारियों में 47.3 की औसत से 8,181 रन बनाए। उनके टेस्ट कैरियर की उच्चतम रैंकिंग 3 है। नंबर दो, ब्रेंडम मैकुलम। न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान ब्रेंडम मैकुलम जबरदस्त बल्लेबाज थे। वो टेस्ट क्रिकेट में भी बिल्कुल वनडे की तरह ही खेलते थे। उनके नाम टेस्ट में 13 शतक भी दर्ज है, लेकिन वो टेस्ट रैंकिंग में नंबर एक पायदान पर नहीं पहुंच पाए। नंबर एक जाने से पहले यदि आप भी विराट कोहली के सच्चे वाले फैन हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नंबर एक, ग्रीम स्मिथ। 9,000 से ज्यादा रन, 27 शतक और 5 दोहरा शतक, इसके बावजूद दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान ग्रीम स्मिथ अपनी कैरियर में कभी भी नंबर 1 टेस्ट रैंकिंग नहीं हासिल कर सके। उनके कैरियर की हाईएस्ट रैंकिंग नंबर 2 थी।